वेलकम टू सीवीआर इंग्लिश, दिस इज नरेश कुमार। लेट्स वॉच द जनरल न्यूज। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ऑन नवंबर 30 विजिटेड प्लाजा इंडिया ट्रेनिंग यूनिट इन वडोदरा। ड्यूरिंग द विजिट द यूनियन मिनिस्टर टूक स्टॉक ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द ट्रेनिंग यूनिट एंड शेयर्ड की इनसाइट्स ऑफ द प्लांट। प्लाजा की जो फैक्ट्री है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्री है। आज दुनिया के सबसे जो कॉम्प्लेक्स ट्रैक मेंटेनेंस की मशीनें होती हैं वो सारी यहाँ पे बनती हैं, और ऑस्ट्रिया की ये कंपनी आज दुनिया में उनका सबसे बड़ा प्लांट भारत में हो गया है। इससे ये लाभ होगा कि हमारे नौजवानों को भारत में भी और दुनिया भर में नए अवसर काम के मिलेंगे।2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जिम्मेदारी संभालने के तुरंत बाद में मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा आंदोलन चालू किया। इस मेक इन इंडिया के जन भागीदारी वाले काम में यहाँ पर अपने गुजरात में बड़ौदा के पास प्लाजा की जो फैक्ट्री है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्री है। ये 2019 में फैक्ट्री बनी और आज दुनिया के सबसे जो कॉम्प्लेक्स ट्रैक मेंटेनेंस की मशीनें होती हैं वो सारी यहाँ पे बनती हैं, और ऑस्ट्रिया की ये कंपनी आज दुनिया में उनका सबसे बड़ा प्लांट भारत में हो गया है। तो यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है। अभी थोड़ी देर पहले जो एक्सपोर्ट होने वाले ऑस्ट्रेलिया को, अर्जेंटीना को, दो तीन जगह जो एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट देखे थे। और प्लांट के अच्छी बात यह है कि स्किल लेवल अपने इंजीनियर्स का, टेक्नीशियंस का स्किल लेवल वो भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है। ये प्लांट गतिशक्ति विश्वविद्यालय के साथ भी जुड़ गया है। गतिशक्ति विश्वविद्यालय में ये जो बड़ी बड़ी मशीनें आप देख रहे हो, इन मशीनों के डिज़ाइन, इन मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग, इनकी टेस्टिंग, उसका कोर्स भी गतिशक्ति विश्वविद्यालय बड़ौदा में होगा। तो इससे ये लाभ होगा कि हमारे नौजवानों को भारत में भी और दुनिया भर में नए अवसर काम के मिलेंगे। धन्यवाद।